हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टार्निश एंड करोजन, ओके, डीएमएस में का। सो ये टॉपिक की अगर बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली इसके अंदर पूछे जाते हैं। सो पहले की बात करेंगे तो टार्निश एंड करोजन, ये तो टॉपिक का नाम है एंड इटसेल्फ इट एक्ट एज अ एसएक्यू। सो उसके बारे में क्या, तो टार्निश एंड करोजन इसके ऊपर डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन एंड इसका क्लासिफिकेशन। ओके, सो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट वन। देन आफ्टर सेकंड वन इज गैल्वेनिक शॉक। गैल्वेनिक शॉक या फिर गैल्वेनिक करोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो के साथ। सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सो कंटेंट में आता है फर्स्ट वन इज टार्निश पढ़ेंगे हम, उसका डेफिनेशन एंड इसके कॉजेस। सेकंड में कोरोजन, उसके डेफिनेशन, उसके कॉजेस। देन आफ्टर कोरोजन की क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन में दो टाइप आते हैं, ड्राई कोरोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, वेट, उसी को वेट कोरोजन भी कहते हैं। देन आफ्टर गैल्वेनिक कोरोजन इसका पार्ट है। देन आफ्टर गैल्वेनिक शॉक। सो ये होगा उसका टॉपिक के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, सो इतना इतनी बातें हैं जो हमें पढ़नी है उसके अंदर। ओके, नाउ टार्निश के बारे में बात करेंगे। सो टार्निश मतलब क्या, सो बेसिकली कह सकते हैं कि सरफेस डिसकलरेशन। ओके, ये डिसकलरेशन, सरफेस डिसकलरेशन इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। ओके, सो सरफेस डिसकलरेशन ऑन मेटल और एज अ स्लाइट लॉस ऑफ और अल्टरेशन ऑफ द सरफेस फिनिशिंग और लस्टर। मतलब सपोज ये सरफेस है और इसके ऊपर अगर ये शाइनी सरफेस है और इसके ऊपर अगर इसका कलर चेंज हो गया है इसके ऊपर का, या फिर उसकी जो शाइन है, लस्टर है, वो अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, डीम हो गया कलर उसका, स्लाइट लॉस हो गया ऊपर का कलर का, तो उसे हम टार्निश कह सकते हैं। ओके, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ मेनी सेमी रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ये हो गए उसके एग्जांपल। आउटर मोस्ट सरफेस की बात करेंगे क्योंकि टार्निश जो है इज ओनली ऑन द आउटर सरफेस, वो इनसाइड में जाती ही नहीं, क्योंकि अगर इसके अंदर टोटल डिस्ट्रक्शन अगर नहीं होगा तो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब डिसकलरेशन की वजह से आउटर मोस्ट लेयर ही इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, एंड आउटर मोस्ट लेयर अगर उसके सेमी रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे तो कॉपर, ब्रास, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम इसके एग्जांपल है। ओके, देन आफ्टर इट अंडरगो द केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग अ थिन लेयर नोन एज टार्निश, जो हमने अभी बोला है। देन आफ्टर मेनली कॉज्ड बाय केमिकल्स इन द एयर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, इसके एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्यों होता है, व्हाई, अगर व्हाई क्वेश्चन अगर आया, वाई वाई में पूछा हुआ है, तो बोल सकते हैं कि एयर के अंदर केमिकल्स रहते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से टार्निश हो सकता है। ओके, सो डेफिनेशन उसकी। ओके, ये एसएक्यू स्मॉल आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट है, 3 मार्क। ओके, देन आफ्टर कॉजेस ऑफ टार्निश। अभी टार्निश के अगर कॉजेस की बात करेंगे तो ओरल एनवायरमेंट में अगर बात करेंगे टार्निश की, सो कॉज बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट डिपॉजिट की बात है, देन आफ्टर हार्ड डिपॉजिट से। ओके, सॉफ्ट डिपॉजिट्स एंड हार्ड डिपॉजिट्स, सॉफ्ट डिपॉजिट में है प्लाक एंड म्यूसिन और हार्ड डिपॉजिट में है कैलकुलस। कहाँ फॉर्म होते हैं, सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन के बाद, रेस्टोरेशन के ऊपर। अगर अगर दांत के ऊपर केरीज है तो केरीज को अगर हमने निकाल दिया, एक्सकैवेट किया, देन आफ्टर उसके अंदर रेस्टोरेटिव मटेरियल अगर फील कर दिया, सो रेस्टोरेशन, रेस्टोरेटिव मटेरियल के ऊपर अगर सॉफ्ट डिपॉजिट या फिर हार्ड डिपॉजिट अगर होते हैं, सॉफ्ट डिपॉजिट में आते हैं प्लाक एंड म्यूसिन एंड हार्ड डिपॉजिट में कैलकुलस, सो ऑन द सरफेस ऑफ द रिस्टोरेशन, सो हम कह सकते हैं कि वहां पर टार्निश होने की गुंजाइश है। देन आफ्टर स्टेन्स एंड डिस्कलरेशन। अभी स्टेन्स एंड डिस्कलरेशन कहां से होंगे, फ्रॉम पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा, ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा। ओके, इसके बारे में सुना होगा आपने माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। ओके, ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा के ऊपर। सो इसके बारे में अगर डीप में है तो वो पीरियो के रिलेटेड टॉपिक हो जाता है, पेरोडोंटोलॉजी के बारे में, बट यहाँ पर हम जनरल डिस्कस करेंगे। ओके, ओवरव्यू लेने का ट्राई करेंगे। सो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, देन आफ्टर ड्रग्स की अगर बात करें तो ड्रग्स कंटेनिंग केमिकल्स लाइक आयन एंड मर्क्यूरी एंड एड्सॉर्ब फूड डेब्रिस, ये 3 बातें, बैक्टीरिया, drugs and adds of food debris. Then after formation of this film like
thin film like oxide, sulfides and chlorides. ओके नेक्स्ट, अभी corrosion, जैसा हमने कहा था कि इसके ऊपर डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन होता है, सो सेम हियर ऑल्सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, देन इसकी है डेफिनेशन। जैसा हमने कहा था इट इज अ सरफेस डिस्कलरेशन, कहा था हमने डिस्कलरेशन होता है टार्निश में, एंड अगर करोजन की बात करें तो इसके अंदर होता है। सो बेसिकली बात करेंगे कौन से टाइप में आता है, इट इज अ केमिकल, ओके केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, मेटल अटैक, मेटल के ऊपर अटैक होता है नेचुरल एजेंट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है पार्शियल और कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ डिटोरियोरेशन, ओके डिसोल्यूशन और डिटोरियोरेशन। तो कोरोजन की अगर बात करेंगे तो कोरोजन में एक्चुअल लॉस होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चरल लॉस होता है किसी भी मेटल का, ओके सो इसे हम कहते हैं कोरोजन। टार्निश की बात करेंगे तो टार्निश, टार्निश की अगर बात करेंगे टार्निश सरफेस के ऊपर होता है, एंड अगर कोरोजन की बात करें तो ये एक्चुअल मेटल को ही खराब करता है, ओके नॉट मेरली सरफेस डिपोजिशन बट एक्चुअल डिटोरिएशन बिकॉज रिएक्शन विद सराउंडिंग एनवायरमेंट, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ओके नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ करोजन। अगर कॉजेस की अगर बात करेंगे तो कॉजेस में है अभी कोरोजन जनरली फॉलोड बाय टार्निश, मतलब पहले टार्निश होगा फिर करोजन होगा, इसके अंदर एक्सेप्शन आता है गैल्वेनिक करोजन, ओके गैल्वेनिक करोजन एक्सेप्शन है विच ऑकर्स डायरेक्टली, ओके उसके अंदर टार्निश नहीं होता डायरेक्टली करोजन होता है, ओके इसके बारे में डिटेल्स क्या है बुक में है डिटेल में, बट लेना क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बताने का ट्राई किया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, ओके देन आफ्टर बात करेंगे वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोराइड प्रेजेंट इन द सलाइवा, सलाइवा के कंपोनेंट्स अगर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवा, अगर फिजियो में आपने पढ़ा होगा तो फिजियो में सलाइवा के कंपोजिशन में वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन सलाइवा कंट्रीब्यूट टू द कोरोजन अटैक, ये तीन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सलाइवा के मेंबर में से कोरोजन के लिए, ओके देन आफ्टर एसिडिक सॉल्यूशन इन ओरल कैविटी, अब ओरल कैविटी है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक होगा बेसिक होगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन लाइक फॉस्फोरिक एसिड एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन प्रेजेंट एट द प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच, अभी कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच यू नो वेल एंड इट प्रमोट्स कोरोजन। एसिडिक प्रोडक्ट्स ये तीन है, कौन से फॉस्फोरिक एसिड एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, जो कि प्रमोट करते हैं कोरोजन में, ओके देन आफ्टर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन, तो क्लासिफिकेशन में ड्राई कोरोजन जिसे हम केमिकल भी कहते हैं केमिकल कोरोजन और वेट कोरोजन, ओके ड्राई एंड वेट कोरोजन, वेट कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक ये भी कह सकते हैं उसके नाम है, देन आफ्टर अगर वेट कोरोजन को अगर हम और क्लासिफाई करें फर्दर क्लासिफिकेशन तो उसके अंदर आता है गैल्वेनिक कोरोजन, देन आफ्टर स्ट्रेस कोरोजन, देन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन सेल और क्रेविस कोरोजन, ओके तो गैल्वेनिक कोरोजन के अंदर दो पार्ट, फर्स्ट वन इज डिसिमिलर मेटल, अगर मेटल डिफरेंट डिफरेंट हुए तो, और हेट्रोजीनियस सरफेस कंपोजिशन अगर कंपोजिशन डिफरेंट हुआ तो, ओके देन आफ्टर स्ट्रेस कोरोजन, तो इसके अंदर आता है क्लिनिकल फेलियर ऑफ रबर डैम क्लैंप, ओके क्लिनिकल फेलियर ऑफ रबर डैम क्लैंप, इसलिए एग्जांपल बोला मैंने बिकॉज क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ओके देन आफ्टर क्लिनिकल फ्रैक्चर ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क, ओके इसी के अंदर आता है क्या क्लिनिकल फ्रैक्चर ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क, ओके ये दो, उसके बाद में थर्ड वन की कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन, ये तो हुआ उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ओके इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर उसके ऊपर लिटिल थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। सो एक जनरली एक डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ड्राई करोजन एंड द वेट करोजन, अभी ड्राई करोजन की वेट करें तो ड्राई नेम इटसेल्फ सजेस्ट था कि ड्राई है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ओके सो इट इज अ एब्सेंस, इट इज अ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड वेट करोजन में ऑफ कोर्स प्रेजेंस होगा किसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर कंसिडर करेंगे, अभी ओरल कैविटी के अंदर ड्राई करोजन तो हो नहीं सकता बिकॉज सलाइवा ऑलवेज प्रेजेंट रहता है माउथ में, ओके सो अगर ओरल कैविटी में अगर कोई करोजन हो रहा तो 100% इट इज अ वेट करोजन, ओके
देन आफ्टर ड्राई कोरोजन में देखेंगे डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स टू यील्ड अ केमिकल कंपाउंड. एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड यील्ड होता है अगर मेटल एंड नॉन मेटल के डायरेक्ट रिएक्शन हुई तो. व्हाई प्रोसेस लाइक अभी प्रोसेसेस कौन कौन सी जो कि हो सकते हैं ड्राई कोरोजन में. सो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन. ओके फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन हो सकता है. देन आफ्टर हैलोजिनेशन हो सकता है. देन आफ्टर सल्फराइजेशन हो सकता है. ओके इन एब्सेंस ऑफ वाटर और अदर फ्लूइड. ओके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में है तो वहां पर तो होगा ही नहीं, ना वाटर होगा ना कोई अदर फ्लूइड होगा. ओके सो ये मेथड्स है जिसके प्रोसेसेस जिसकी वजह से ड्राई कोरोजन होगा. देन आफ्टर अगर और डिटेल में एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स कह सकते हैं सिल्वर डिस्कलरेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ओके बाय केमिकल कोरोजन सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है सिल्वर का डिस्कलरेशन से. देन आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ अलॉय पार्टिकल्स कंटेनिंग सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक फेज. ओके ऑक्सीडेशन ऑफ अलॉय पार्टिकल्स कंटेनिंग सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक फेज. अब सिल्वर क्या सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक फेज क्या है सो अमलगम में डिटेल में है. ओके सो बेसिकली इतना याद रखो कि इसके एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज गैल्वेनिक करोजन. अभी गैल्वेनिक करोजन सो डिसिमिलर मेटल जैसा हमने कहा था डिसिमिलर अगर मेटल ही डिफरेंट है. ओके तो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन जैसे हमने कहा था अगर ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर उसे ही वेट करोजन कहते हैं वही होगा. क्यों क्योंकि सलाइवा ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा. ओके नाउ उसके डिटेल में बात करते हैं. सो टू और मोर डिसिमिलर मेटल्स. ओके दो या फिर दो से ज्यादा डिसिमिलर मेटल्स है और वो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में आते हैं विद ईच अदर सो वहां पर डिसिमिलर मेटल गैल्वेनिक करोजन हो सकता है. ओके क्यों डिसिमिलर मेटल है. ओके डिसिमिलर डिसिमिलर गैल्वेनिक करोजन हो सकता है. ओके नाउ टू एडजेसेंट और अपोजिट रेस्टोरेशन ऑफ डिफरेंट ऑल. अगर सपोज बाजू बाजू में दांत है सपोज एक इधर है और एक टूथ इधर है. ओके बट या फिर ऑपोजिट में है और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उनके बारे में. ओके नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट. सो सलावा एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने कहा था फ्लूइड है प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है सलावा ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा. सो इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट जो कि शार्प शूटिंग पेन कॉज करेगा गैल्वेनिक शॉक. व्हाई व्हाई अगर क्वेश्चन पूछा व्हाई सो व्हाई का आंसर है बिकॉज क्या होगा वो सर्किट कंप्लीट करेगा. ओके सर्किट अगर कंप्लीट किया होल सर्किट तो ऑफ कोर्स सर्किट कंप्लीट होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा जो कि शार्प शूटिंग पेन कॉज करेगा जिसे हम गैल्वेनिक शॉक कहते हैं. ओके गैल्वेनिक शॉक अगर एसी के ऊपर अगर एसी क्यों आता है शॉर्ट नोट आता है गैल्वेनिक शॉक के ऊपर तो ये पूरा प्रोसेस आप वहां पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन उसकी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे. अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटीज होगी. क्या होगा पहली पॉसिबिलिटी है कि दो डिफरेंट रेस्टोरेशन होंगे. ओके इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर दो रेस्टोरेशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो वहां पर सपोज कंसिडर करते लेट्स टेक ए एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अमालगम अमालगम एक्ट करेगा एनोड एंड गोल्ड रेस्टोरेशन दूसरा है तो एक्ट करेगा कैथोड. अभी कौन सा एनोड एंड कौन सा कैथोड तो वो सभी ईएमएफ सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है. ईएमएफ सीरीज जो कि आपने 11 12th में पढ़ी है तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है. ओके सो देयरफॉर शॉर्ट सर्किट होगा एनोड कैथोड की वजह से एंड शार्प पेन होगा रिजल्टिंग उसका रिजल्ट क्या होगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वैसे शॉर्ट सर्किट होगा कंप्लीट शार्प पेन होगा उसके अंदर एंड जिसका रिजल्ट क्या होगा वीकनिंग ऑफ बोथ अलग दोनों अलग वीक होंगे डिस्कलरेशन होगा टूथ का एंड प्रेजेंस ऑफ मेटालिक टेस्ट इन दी माउथ. तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज है वीकनिंग ऑफ बोथ द अलग डिस्कलरेशन ऑफ टूथ एंड प्रेजेंस ऑफ मेटालिक टेस्ट इन दी माउथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो जिसके अंदर आता है टू डिफरेंट रिस्टोरेशन नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. अभी दो डिफरेंट रिस्टोरेशन है बट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है तो डिसिमिलर रिस्टोरेशन सलाइवा इज ए इलेक्ट्रोलाइट. ऑफकोर्स सलाइवा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ओरल कैविटी के अंदर एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट एसोसिएटेड विद द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द टू रिस्टोरेशन एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले दो रिस्टोरेशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म होगा जिसके अंदर सलाइवा इलेक्ट्रोलाइट बोल के काम करेगा और ये टोटल डिपेंड करेगा उसके पोटेंशियल के ऊपर. ओके उसके पोटेंशियल के ऊपर. ओके हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू एक्ट एज एक्सटर्नल सर्किट. ओरल कैविटी के अंदर हार्ड पार्ट भी होते सॉफ्ट पार्ट भी होते तो वो एक्सटर्नल सर्किट बोल के एक्ट करेंगी. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉसिबिलिटी तो टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो और सिर्फ एक ही
रेस्टोरेशन प्रेजेंट हो, ओके okay. सो उसके बारे में बात करेंगे, क्या हो सकता है प्रेजेंट इवन इन सिंगल आइसोलेटेड मेटालिक रिस्टोरेशन, एक ही रिस्टोरेशन है, मेटालिक रिस्टोरेशन है वहां पर. हियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द टू इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. लाइक फर्स्ट वन इज द सलाइवा जो कि कॉमन है ओरल कैविटी में, देन आफ्टर सेकंड वन इज अ टिश्यू फ्लूइड. अभी टिश्यू फ्लूइड में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, वहां पे हो सकता है कि डेंटाइनल फ्लूइड हो, या फिर सॉफ्ट टिश्यू फ्लूइड हो, या फिर ब्लड हो. ओके कम, और ये क्या करते हैं, दे कंप्लीट दी एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल कंप्लीट कर एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करेंगे जिसकी वजह से शॉक लग सकता है. ओके देन आफ्टर जो भी है इस टॉपिक में जो कि हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसके बारे में गैल्वेनिक शॉक ऑलरेडी हमने गैल्वेनिक शॉक के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, जिसके ऊपर 3 मार्क का शॉर्ट नोट आता है. ओके एसएक्यू शॉर्ट नोट. ओके देन आफ्टर अगर आपको शॉक के बारे में पता ही है तो उसे अवॉइड कैसे करेंगे. ओके अवॉइड, यू आर मेडिकल स्टूडेंट, यू आर डेंटल स्टूडेंट, ओके सो डॉक्टर हो, सो उसे अवॉइड कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो आप कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो अगर मैं इसको हिंट दे दूं तो उसके ऊपर वार्निंग अप्लाई कर सकते हैं. अभी क्या कितना कैसा कहाँ कौन करेगा कब करेगा, सो इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ लेना. एक्चुअली ये प्री क्लिनिकल है, यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर गैल्वेनिक शॉक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दीज पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू. लाइक फर्स्ट वन इज वार्निश अप्लाई करेंगे. ओके और अमालगम की क्या, अमालगम की केस में क्या होता है, एक हिंट देता हूँ अमालगम के बारे में, सेल्फ सीलिंग एबिलिटी ऑफ सिल्वर अमालगम. ओके तो इतना, ये दो हिंट देता हूँ, इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल में बुक्स में पढ़ लेना. ओके देन आफ्टर ये तो होगा फर्स्ट वन. सेकंड वन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन. अभी कोरोजन है, इतना सारा पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ लिया अपने कोरोजन के बारे में, बट उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे. ओके हो प्रोटेक्शन, अभी प्रोटेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन आपने ऑलरेडी 11th 12th में बहुत ज्यादा लेवल पे उससे पढ़ा है. जैसे कि अगर बात करेंगे तो पैसिवाइजेशन है, देन आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गोल्ड कोटिंग है, फॉर्मेशन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड फिल्म है, मतलब बहुत ही ज्यादा गैल्वेनाइजेशन है, ऐसे बहुत ज्यादा है. तो कौन से केस में क्या अप्लाई होता है ये आप खुद पढ़ लेना. ओके सो आज के लिए इतना ही. इस टॉपिक में दो क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली आते हैं, एक के ऊपर कहे तो गैल्वेनिक शॉक, एंड जो हमने पहले बताया था टार्निश एंड कोरोजन, इसके ऊपर डेफिनेशन एंड उसका क्लासिफिकेशन. सो थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपने अभी तक वीडियो अगर वॉच किया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना. अगर कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एंड हाँ बेल आइकन भी बजा देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे.